हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ ऑर्गन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनके प्राइसेस क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, फीचर्स क्या हैं और उनकी आवाज़ कैसी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और आपको सुनाऊँगा भी उसकी आवाज़। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। ये जो ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है इसे शुरू करता हूँ। ये ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन इसे कहते हैं। इसमें 24 पेयर्स ऑफ होल्स होते हैं। 24 पेयर्स यानी कि टोटल होल्स 48 होल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो आवाज़ होती है बहुत ही मधुर होती है और ऊपर का जो होल है और जो नीचे का जो होल है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है साउंड का। तो ये मेरे पास ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन ओशन स्टार का है, ऑनर का ओशन स्टार। इसकी प्राइस अराउंड 1000 से लेकर 1100 ठीक है होती है। और ये ऑनर का ओशन स्टार का है, जर्मन कंपनी का। इसकी आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ। तो इसकी आवाज़ आपने सुना है। तो ये हो गया ऑनर कोसिन स्टार ट्रेमोलो। इसी ट्रेमोलो में और एक माउथ ऑर्गन आता है फ्रेंड्स, ये है देखिए सुजुकी स्टडी 24। ठीक है, सुजुकी स्टडी 24 ये जैपनीज कंपनी का है। इसका देखिए ये केस है इस तरह से, ये भी ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है सुजुकी ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन। इसकी प्राइस भी अराउंड वही 1100-1200 के आसपास होती है। ये भी ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है। देखिए 24 पेयर्स ऑफ होल्स हैं, सी स्केल में है। ठीक है, इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी लाइटर में है, लाइट है। ओशन स्टार के कंपैरिजन में इसकी आवाज़ थोड़ी सी आपको धीमी लगेगी या फिर थोड़ी सी आपको लाइट लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया सुजुकी का ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन। उसके बाद मैं आपको एक स्टॉप कंपनी है, स्टॉप, ये भी ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है। इसका ये केस है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये चाइनीज़ कंपनी है लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ब्राइट होती है फ्रेंड्स। ये भी सी स्केल का है, ये देखिए सी स्केल का। इसका पीछे का मैं दिखाता हूँ, स्टॉप। ठीक है, तो इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ब्राइट ब्राइट आवाज़ होती है। तो ये हो गया स्टॉप कंपनी का है, ये 1200 में आता है, चाइनीज़ कंपनी है, ये भी ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है। ठीक है, अब मैं आता हूँ फ्रेंड्स डायटोनिक माउथ ऑर्गन पे आता हूँ। ये हो गया डायटोनिक माउथ ऑर्गन, ये स्टॉप का डायटोनिक माउथ ऑर्गन है। डायटोनिक माउथ ऑर्गन ये 10 होल्स का माउथ ऑर्गन है। देखिए इसमें 10 होल्स हैं। ठीक है, छोटा सा माउथ ऑर्गन है और 10 होल्स हैं इसमें। ठीक है, इसकी प्राइस है 1200 के आसपास है। ये चाइनीज़ कंपनी है स्टॉप। ये 10 होल्स का, इसे डायटोनिक हारमोनिका कहते हैं। तो डायटोनिक हारमोनिका में आप सब गाने नहीं बजा सकते, इसकी लिमिटेशन होती है। और क्योंकि 10 होल्स है तो इसमें तीनों ऑक्टेव आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कंप्लीट ऑक्टेव मिलेगा, इसीलिए इसकी लिमिटेशन होती है। सब गाने आप इसमें नहीं बजा सकते। मैं आपको सुनाता हूँ इसकी आवाज़। ये सी स्केल में है, देखिए। ठीक है, ये हो गया डायटोनिक। तो ये जो वेस्टर्न म्यूज़िक बजाते हैं उनके लिए यह एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप बॉलीवुड के गाने बजाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही माउथ ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो डायटोनिक में मैं आपको और एक डायटोनिक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑनर का सिल्वर स्टार है। ये भी इसे मैं खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी डायटोनिक हारमोनिका है। ये है ऑनर का सिल्वर स्टार। ठीक है, ऑनर का सिल्वर स्टार। ठीक है, इसकी प्राइस भी अराउंड 900 के आसपास है। तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। तो
ठीक है, ये हो गया आपका हॉर्नर का डायटोनिक सिल्वर स्टार 900 के आसपास। अब मैं आता हूँ क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन में आता हूँ, ठीक है। क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन यानी कि जिसमें स्लाइडर होते हैं, ठीक है, ये स्लाइडर, इसे कंप्लीट माउथ ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि इसमें आप सब गाने बजा सकते हैं। ये 24 होल्स का है देखिए, और इसमें तीनों ऑक्टेव प्रेजेंट हैं, मतलब तीन स्केल पे आप सरगम बजा सकते हैं, ठीक है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव में। और स्लाइडर है जिससे कि आप शार्प नोट्स भी बजा सकते हैं, जो कोमल नोट्स हैं या शार्प नोट्स हैं वो भी बजा सकते हैं। तो ये कंप्लीट माउथ ऑर्गन होता है, ये टावर कंपनी का है, अराउंड 600 रुपीस में आता है, ये 600 में आता है, और कंप्लीट माउथ ऑर्गन है, बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है, कम दाम में, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में, इट्स ए गुड हारमोनिका। मैं आपको सुनाता हूँ, तो ये माउथ ऑर्गन बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और कम प्राइस में कंप्लीट माउथ ऑर्गन है। ये है चाइनीज़ कंपनी है टावर, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में आपको और एक माउथ ऑर्गन मैं दिखाता हूँ, ये भी देखिए क्रोमेटिक हारमोनिका है, स्लाइडर है इसमें, ये भी 24 होल्स हैं इसमें, और ये सुजुकी का है, जापानीज़ कंपनी है, बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है, लेकिन इसकी प्राइस कॉस्टली है। ये है अराउंड 6,000 रुपीज़ का, लेकिन बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है, एयर टाइटनेस बहुत अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, सुनाता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया सुजुकी का 6,000 रुपीज़ का, बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है। आप जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, जब आप सीख लें, तब आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसी कैटेगरी में मैं आपको और एक माउथ ऑर्गन दिखाता हूँ, ये माउथ ऑर्गन देखिए, ये भी क्रोमेटिक का है, स्लाइडर वाला माउथ ऑर्गन है, ये ऑनर का है, सुपर 64, ये जर्मन कंपनी का है, बहुत ही कॉस्टली माउथ ऑर्गन है फ्रेंड्स। अभी ये अराउंड 50,000 में आता है, इसका 50,000 का भी करीब दाम है। तो मैंने बहुत पहले इसे ख़रीदा था, तो ख़रीदा क्या था, मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था, जब मैंने अच्छा मार्क्स लाया था एग्ज़ामिनेशन में, तब उसे चाचा जी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इसका प्राइस अभी 50,000 है, बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है, इसमें 16 होल्स हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन में जब मैं बजाता हूँ तो इससे बजाता हूँ, इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, और मैं आपको सुनाता हूँ, लोअर ऑक्टेव की आवाज़ सुनिए आप, मिडिल ऑक्टेव की आवाज़ सुनिए, हायर ऑक्टेव का सुनिए, ठीक है। तो इसे मैं हमेशा नहीं बजाता हूँ, इसे बीच में कभी कभी बजाता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास कुछ और माउथ ऑर्गन है, ये है हीरो कंपनी का माउथ ऑर्गन है, ट्रेमोलो है, ये आपको 500-600 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ माउथ ऑर्गन के बारे में, और मैंने आपको जानकारी दी, तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, और कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा उसका कमेंट सेक्शन में। तो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।